हेलो सुपर लर्नर्स, क्या हाल चाल। हाय एवरीवन, हाउ आर यू पीपल। हाय हाय मीरा पवार, हाय दुर्गा पंडित, हाय प्रीत, हाय भक्ति। हेलो, हाय एवरीवन। हाय एवरीवन, हाय अनिल, हाय कनिष्का, हाय हर्ष, हाय अल्फिशा, हाय हर्ष, हेलो, हाय अक्षय, हाय सुनीता, हाय एवरीवन। क्या हालचाल बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब। हाउ आर यू पीपल। हाय प्रिया, हाउ आर यू। तो बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर की आज। ठीक है, आज हम लोग तीन चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। पहला हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन डिस्कस करेंगे, ठीक है, फिर लाइफ प्रोसेस वन और टू भी है, और ये भी चैप्टर अपना। ठीक है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि हमें कौन से चैप्टर डिस्कस करने रह गए हैं, हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, ये भी आपके साथ एक बार शेयर कर देता हूँ। हाय एवरीवन। तो अगर मैं आपको मेरा स्क्रीन दिखाऊं तो बच्चों, दिस आर द चैप्टर्स जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस चैप्टर्स। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट कल टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। ये दो हमने एक सेशन में डिस्कस किया था, जो कि 7:30 या 7 बजे से। फिर हमने ये दो से जो दो चैप्टर डिटेल डिस्कशन किया था इवनिंग में, 9:45 से जो सेशन था 11 बजे तक चला था उसमें। तो आप उसका अगर अब तक आपने नहीं देखा तो आप जाके रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, जिसमें आपको बहुत डिटेल में चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, हाय एवरीवन, प्लीज शेयर द सेशन एंड हिट द लाइक बटन, दैट विल हेल्प मी टू ग्रो। ओके, एंड डोंट स्पैम, मैं ठीक हूँ। ठीक है, प्लीज डोंट स्पैम, मैं ब्लॉक कर देता हूँ, थोड़ा निर्दयी हूँ मैं, तरस थोड़ा निर्दयी हूँ, ब्लॉक कर दूंगा, ये मेरा समस्या है। ठीक है, ये तुम अगर समझ जाओगे तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, नहीं समझोगे ना कोई बात नहीं। ओके, तो व्हाट आई वाज सेइंग, क्या मैं कह रहा था आप लोगों को कि ये चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आप इसकी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, यूट्यूब पे अवेलेबल है, रिकॉर्डिंग हटाया नहीं है। इसके बाद अगर आप आज की अगर हम अब बात करें कि हमारे पास कौन से चैप्टर रह गए हैं, तो वी आर लेफ्ट विद दिस फॉलोइंग चैप्टर्स। आज अभी हम हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, फिर लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट वन एंड टू, वी हैव दिस टू चैप्टर्स। उसके बाद हमारे पास अगला चैप्टर है दिस वाला, एनिमल क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, एंड वी हैव सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो दिस आर द चैप्टर्स जो हमें करना है, दिस आर द 6 चैप्टर। तो तीन तीन चैप्टर करेंगे आज, तीन लाइव करूंगा मैं टोटल, तीन लाइव में से हर एक लाइव में एक एक चैप्टर डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, आज जैसे अभी ये डिस्कस कर लिया, बाद में शायद ये डिस्कस कर लूंगा और फिर ये डिस्कस कर लूंगा, तो ये तीन हो जाएंगे आज, फिर दूसरे दिन ये वाला और ये वाला हो जाएगा। तो इस तरीके से हम डिस्कस कर लेंगे। एक छोटी सी बात शेयर करना तो भूल ही गया मैं आप लोगों के साथ, कि अगर हम यहाँ पे यूट्यूब की बात करें, ठीक है, अगर मैं आपको अपना यूट्यूब चैनल दिखाऊं बच्चों, तो यूट्यूब चैनल पे अगर आप आ जाओगे, ठीक है, तो थोड़ा सा स्क्रॉल करके अगर आप नीचे जाइएगा तो आपको साइंस टू की एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस साइंस टू की प्लेलिस्ट में अगर आप देखोगे, आप पूरा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन वाला चैप्टर बचा 58 मिनट, ठीक है, 58 मिनट 53 सेकेंड्स में कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, कितना, 58 मिनट। लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म 55 मिनट 41 सेकेंड में आप कंप्लीट कर सकते हो। लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म 2 1 आवर 30 मिनट्स में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, अगर आपको माइक्रोबायोलॉजी करना है तो लगभग 1 आवर 45 मिनट्स में आपका पूरा हो जाएगा, एंड सो ऑन, एनिमल क्लासिफिकेशन 1 आवर 36 मिनट। तो बहुत छोटे छोटे वीडियोस डाले हैं, इन्हीं दिनों के लिए डाला था ये, अगर आपको क्विक रिवीजन करना हो, ठीक है, तो ये आपके काम आए। ठीक है, अगर आपको क्विक रिवीजन करना हो तो ये आपके काम आए, इन्हीं दिनों के लिए इन वीडियोज को डाला गया था। तो
इनका बिल्कुल फायदा उठाइए, ठीक है, इनका बिल्कुल फायदा उठाइए। और इनके अंदर भी टाइम स्टैम्प है, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं अभी ये वाला चैप्टर खोल लेता हूं, ठीक है, तो यहां पे देख लो, यहां पे जैसे मैं नीचे जाऊंगा, ठीक है, तो यहां पे दिख रहा है चैप्टर्स, कैन यू पीपल सी दिस, यहां पे दिख रहा है चैप्टर्स, क्या रहा है नीचे, यहां पे डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो यहां पे देखो, अगर मैं ऐसे खोलता हूं तो व्हाट आई कैन सी कि यहां पे चैप्टर्स है बहुत सारे, ठीक है, और उन इधर भी अगर हम ये एड स्किप ही नहीं हो रहा है, ओके, तो यहां पर अगर हम देख लेंगे सारे चैप्टर्स है, तो आपको जो पर्टिकुलर टॉपिक देखना होगा, जैसे मान लो मुझे जाके देखना है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, तो मैं उस पर क्लिक कर दूंगा और वही टॉपिक खुलेगा। तो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल अल्टीमेटली टू यू, अल्टीमेटली आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल ही रहने वाला है। गॉट इट एवरीवन, ये छोटी सी मोटी सी प्यारी सी बातें समझ में आ गई सभी लोगों को, ये बात क्लियर हो गया। बिफोर मूविंग फर्दर, एक चैप्टर नहीं है, क्या करूं, ओके, अभी यह सेशन खत्म होने के एक सवा घंटे बाद दूसरा सेशन, वो खत्म होने के एक सवा घंटे बाद तीसरा सेशन, ऐसे करेंगे, ठीक है। हाय हाय संस्कृति, चलो तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर की, तो चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, बट टॉपिक इतने गहराई वाले नहीं है, तो हम लोग जल्दी इसको कर सकते हैं, समझ रहे हो, चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है बट टॉपिक इतने गहराई वाले नहीं है, तो हम बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ते हैं हेरिडिटी एंड हेरिडिटी चेंजेस के बारे में, हम पढ़ते हैं बाद में ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, सेंट्रल डॉग्मा भी बुलाते हैं, इसको हम पढ़ते हैं, और इससे रिलेटेड डेफिनेशन पूछा जाता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इवोल्यूशन पढ़ते हैं, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, डार्विन्स थ्योरी पढ़ते हैं, लामार्किज्म, स्पीसिएशन एंड ह्यूमन इवोल्यूशन, ठीक है। मैंने एक पीडीएफ बना के दिया तुम लोगों को, जिसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए, तो अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड जैसे ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए टू एमआरएनए इज कॉल्ड एज डैश प्रोसेस, आंसर ट्रांसक्रिप्शन, तो ऐसी चीजें इसमें से पूछी जाती है सिंपल सिंपल से, तो आपको ये याद रखना है अगर हम इधर देखें तो। उसके बाद अगर हम इसमें देखें तो देखो इसमें कुछ खास नहीं पूछा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हुए अगर हम जाते हैं तो हमें दिखता है कि दे ऑल्सो आस्क क्वेश्चन, अगर हम साइंटिफिक रीजन में बोलेंगे तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन पूछा, सेल डिवीजन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, लाइफ प्रोसेस वन से है वैसे, ठीक है। तो इधर भी कुछ खास सवाल नहीं है, बट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2B में बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, जैसे ये देखो एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, ये एक्टिविटी तो नहीं बोलेंगे लेकिन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं चार्ट वाला क्वेश्चन है, और ये आपके टेक्स्ट बुक के अंदर ही है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओके। फिर अगर हम और आगे जाके देखें तो इसमें से और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं, यही क्वेश्चन 2 बार पूछा, देखो ये सेम क्वेश्चन फिर से पूछा था, इसमें कुछ भी जिक्र नहीं किया था इन्होंने। फिर देखो डार्विन के बारे में एक्सप्लेन, डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, कभी कभी ऑब्जेक्शन ऑन डार्विन थ्योरी पूछते हैं कि व्हाट आर द ऑब्जेक्शन ऑन डार्विन थ्योरी, तो जो ऑब्जेक्शन वाला पार्ट है वो हमें बहुत थर्ली पढ़ के जाना चाहिए, ठीक है, हमें ईवीएस मत छोड़ बच्चे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, तो यहाँ पे दिस आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, आप प्लीज ये पीडीएफ डाउनलोड करके देख लेना, विल नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम ऑन दिस, हम इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ये टेलीग्राम पे डाला हुआ है, टेलीग्राम का लिंक मैंने पिन कर दिया, ओके। अभी बेटा अभी हम बात करते हैं कि आज हमें क्या क्या करने वाले हैं हम, ठीक है। तो आज हम पूरा चैप्टर डिस्कस नहीं करेंगे, चैप्टर के नाम पे तो मैंने 50 मिनट का वीडियो डाला है, वो 50 मिनट के वीडियो को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पूरा चैप्टर आ जाएगा, जस्ट बाय सीइंग दैट 50 मिनट वीडियो यू विल लर्न द एंटायर चैप्टर वेरी इजीली, ठीक है, वो पूरा चैप्टर आपको बहुत आसानी से आ जाएगा, तो उस पर ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, ठीक है। इनफैक्ट मैं कोशिश करूंगा कि उस चैप्टर में से खाली इंपॉर्टेंट चीज़ें रखूंगा, बाकी चीज़ें हटा दूं इफ रिक्वायर्ड, तो वो भी कोशिश करेंगे हम लोग। अभी सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1A और B में क्या पूछा जा सकता है वो देख लेते हैं, और तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं मार्क करा देता हूं, ये पहले भी पूछा जा चुका है, ठीक है, आगे भी पूछा जा सकता है, तो दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मार्क कर लो पहले, और फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। दिस इज द क्वेश्चन जो पहले भी पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है, तो इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ट्रू और फॉल्स बोल करके ये इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, ट्रू और फॉल्स बोल करके, तो ये भी सिंपल है, याद कर लेना।
ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ही है यार, इतना कुछ खास नहीं है। और देखो यहीं से ही क्वेश्चन बार बार पूछा, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन ये क्वेश्चन पूछा है, तो शायद इनमें से आप कोई और भी पूछ सकते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट ही हो जाता है। ऐसे कैसे बोल सकते हैं हम, इन सब के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, लेकिन ये वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और ये वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है मेरे हिसाब से, ऐसे तो जरूर कर लेना। वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है, बहुत फेवरेट है बोर्ड का, तो इसको भी नहीं छोड़ना, ये भी इम्पोर्टेंट ही है। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो दे हैव आस्क दिस क्वेश्चन मेनी टाइम्स, ये वाला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, एंड आई बिलीव कि दे कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन, ठीक है, दे कैन आस्क यू दिस वाला क्वेश्चन, ठीक है। और ये भी पूछ सकते हैं आपको, इसमें आपको एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन के बारे में मेंशन करना है, बाकी तो नहीं पूछते यूजुअली। दिस आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको बता दिया है, इनको आप बिल्कुल मत छोड़ना, इनको प्रायोरिटी पे पढ़ना, बाकी कुछ छोड़ना तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन इन क्वेश्चंस को ऑन प्रायोरिटी पढ़ना है। इज इट क्लियर? किसी को इसमें कोई भी सवाल है तो हम अब जाए अपने एमसीक्यू की तरफ जाए। जाए एमसीक्यू तो आदित्य स्पैम मत कर बेटा, चले ठीक है चलो, तो एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। थैंक यू अवदेश बेटा, देखो एग्जाम है, ठीक है, तो लोग जो लोग पढ़ चुके हैं वो क्यों आएंगे, ठीक है। तो रीच वीच की देखो, आप हो ना, आपको जरूरत है, पाए जिनको जरूरत होगा वो आएगा, इतना क्या सोचना है इसके बारे में। टीचर हो, सब्जी वाला थोड़ी हूं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें मेरे दिमाग में तभी आती है ना जब दूसरे मुझे बोलते हैं, वरना तो मेरे दिमाग में ये सब नहीं आती, कितने देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, रीच का क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। हाँ जब पैसों की कमी होती है तब ये सब लगता है कि हाँ अच्छी थोड़ा, या फिर कोई दूसरा फालतूगिरी कर रहा होता है तब ऐसा लगता है कि ऐसा, ऐसे तो नहीं आता दिमाग। कि मुझे ना सच बताऊँ ना, इतना मजा आता ना पढ़ाने में, ये सारी बातें दिमाग में ही नहीं आती है। जब मटेरियल भी प्रिपेयर कर रहा होता हूँ तो मुझे लगता है ये वाली बात बोलूंगा, वो वाली बात बोलूंगा, ऐसे पढ़ा दूंगा, वैसे कर दूंगा, अच्छा लगता है, मजा आता है। ओके चलो तो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो वी वर टॉकिंग अबाउट हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे, जो जो मुझे लगेगा कि इंपॉर्टेंट है उसका आंसर आपको देने दूंगा, जो मुझे लगेगा बट ऑब्वियस है पता ही होगा तो उसको मैं फिर से स्किप करूंगा, एंड जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, आपको पता है कि यही फॉर्मेट से हम आगे बढ़ रहे हैं, आपको सारे क्वेश्चन टेक्सटबुक का पूरा एमसीक्यू फॉर्मेट में एक बार क्विक रिकैप करवा देता हूं मैं इन क्विजेस द्वारा, और उसके बाद मैं क्या करता हूं आप लोगों को एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक्सप्लेन करता हूं, तो दैट इज द फंडा जिस पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जितने लोग अभी आ रहे हैं कल से उनको ये पता चल गया कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलो करते हैं वही चीज जो हम कर रहे थे, जो लोग शेयर करना चाहते हो प्लीज शेयर कर देना। तो यहाँ आता है पहला क्वेश्चन आपका और इसका आंसर भी आ गया वैसे, दैट इज द पॉइंटर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। मॉडर्न जेनेटिक्स की बात करेंगे तो उसके पॉइंटर कौन थे, तब एक बहुत अहम इंसान जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कदम रखा था, और ये क्वेश्चन कहीं और से नहीं है बेटा, आपके टेक्स्ट बुक से, मैं आपको दिखा दूंगा ये क्वेश्चन कहाँ से है, वैसे आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा, मैं ऐसे मान के चलता हूँ, ठीक है। आदित्य बेटा स्पैम मत कर, मना कर रहा हूँ तो समझ नहीं आ रहा ना तुझे, बस तो आता है नहीं लोगों को ऐसे भी, मेरे को लगता ही है। चलो आंसर क्या है इसका, ग्रिगोर जॉन मेंडल, राइट, ग्रिगोर जॉन मेंडल। अगर दीदा दिखाओ तुमको, अगर टेक्स्ट बुक के अंदर दिखाओ तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि इधर लिखा हुआ है जॉन ग्रिगोर मेंडल इज द पॉइंटर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, लिखा गया। तो टेक्स्ट बुक से ही चीजें ले रहा हूँ, कहीं बाहर से नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में भी टेक्स्ट बुक से होने वाला है। तो ग्रिगोर जॉन मेंडल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ट्रायो ऑफ साइंटिस्ट हु प्रूव द एक्सेप्ट वायरसेस ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव डीएनए एज देयर जेनेटिक मटेरियल। ये भी टेक्स्ट बुक से है, जल्दी बता दो, मैं बताऊंगा टेक्स्ट बुक से में कहां से है, जल्दी बता दो। मास्टर बच्चा पार्टी, हाय शिवम भाई, बेटा इग्नोर क्यों करूंगा मैं तुम्हें, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप बीच में उंगली कर रहे हो। चलो तो इसका आंसर क्या है भाई, एवरी मैककार्टी एंड मैकलियॉर्ड। अगर इसका हम देखने जाए कि कहाँ पे इसका आंसर है, तो वी कैन सी कि टेक्स्ट बुक में इस जगह पे हमें देखने को मिलेगा, ठीक है।
ट्रायो ऑफ साइंटिस्ट एवरी मैककार्टी एंड मैकलियॉर्ड, ठीक है, एक्सेप्ट proved that except living organism, all the living organism has DNA as their virus, except virus, all the living organism has DNA as their genetic material. तो यहाँ से वो question था, तो it is important, ऐसा पूछ सकते हैं मुझे लगता है. तो next question अगर हम देखेंगे तो next question हमारा है ये वाला. अब यहाँ पे हम finally transcription, translation and translocation पे आ गए, तो यहाँ से बहुत सारे question आपसे पूछे जा सकते हैं. Which of the following is a nitrogenous base and it is present in DNA? DNA में एक nitrogenous base है और वो DNA में present होता है. चलो आंसर क्या है इसका, बी. ओके लेट्स सी, यूरासिल, बिल्कुल सही बात है, यूरासिल नहीं होता. इसमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने वाली बात तो है नहीं, आप लोगों को पता ही है, राइट. नेक्स्ट वाला है, एडिनिन कैन पेयर विद विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजनस बेस. एडिनिन इनमें से कौन सा नाइट्रोजनस बेस के साथ पेयर करता है. चलो बहुत सही, बिल्कुल सही आंसर क्या है, बोथ बी एंड सी, एडेनिन कैन पेयर विद ए टी ए यू, डिपेंड्स, इट डिपेंड्स ना कि आरएनए है कि डीएनए है, ठीक है. नेक्स्ट वाला है शिवम, अपना क्वेरी डाल दो. और आरएनए डज नॉट कंटेन, आरएनए के पास इनमें से क्या नहीं होता, इट्स वेरी सिंपल, आरएनए का नाम ही है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो इसके अंदर क्या नहीं होता, डिऑक्सी राइबोज नहीं होता है, ठीक है, ये नहीं होता है. नेक्स्ट वाला देखते हैं, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए टू एमआरएनए इज कॉल्ड एज डैश प्रोसेस. तो क्या बुलाते हैं ये बताओ. जल्दी बता दो. कह रहे हो सर मेंटी कब लोगे, मेंटी लेके बेटा टाइम पास होगा, तुझे नहीं लगता कि तेरा पेपर है और मैं तेरा टाइम पास कराऊंगा, तू मुझे कभी माफ नहीं करेगा. ओके, तो इसका आंसर है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है. इसका आंसर क्या है बेटा, ट्रांसक्रिप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट वाला देखते हैं, एमआरएनए सिंथेसाइज, अच्छा ये तो हो गया, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ आरएनए कैरीज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम जीन्स टू राइबोसोम, जीन्स से लेकर राइबोसोम तक कौन इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, कौन कैरी करता है, जल्दी बताइए. जीन्स से लेके राइबोसोम तक कौन कैरी करता है, द आंसर इज एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, ठीक है. द कोड ऑफ ईच अमीनो एसिड कंसिस्ट ऑफ डैश न्यूक्लियोटाइड, अगर एक अमीनो एसिड प्रोड्यूस करना है तो कितने न्यूक्लियोटाइड चाहिए. गुड बच्चा, बहुत बढ़िया. प्रीति गुड, विनी बहुत बढ़िया, योग जी बहुत बढ़िया. आंसर क्या है इसका, बेटा इस चैप्टर पे ट्रिक का वीडियो बनाया हुआ है. आंसर क्या है भाई, इसका आंसर है थ्री 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 सी, हाँ गुड एमन. तो इसका आंसर थ्री है, तीन न्यूक्लियोटाइड मिलकर के एक अमीनो एसिड प्रोड्यूस करते हैं, बिल्कुल सही बात है. नेक्स्ट वाला, द डैश हैज एन एंटी कोडॉन सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोडॉन ऑन एमआरएनए. इसका आंसर डैश हैज एन एंटी कोडॉन सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोडॉन ऑन एमआरएनए. टीआरएनए, ठीक है, बिल्कुल सही. नेक्स्ट है, द राइबोसोम कीप्स ऑन मूविंग अलोंग द एंटायर लेंथ ऑफ एमआरएनए बाय द डिस्टेंस ऑफ वन ट्रिपलेट कोडॉन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज. सब पढ़ना चाहिए बेटा. आंसर क्या है, राइबोसोम कीप्स ऑन मूविंग अलोंग द एंटायर लेंथ ऑफ एमआरएनए बाय अ डिस्टेंस ऑफ वन ट्रिपलेट कोडॉन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन. तो ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन किया आपका, ठीक है, अब ट्रांसलोकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं. अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से क्या सही नहीं है,
देखो नॉट ट्रू लिखा है, ट्रू नहीं लिखा है, बहुत ध्यान से देखना इसको, कल भी बता रहा था ये बात मैं आपको। चलो बहुत बढ़िया, आंसर क्या है इसका? ये इसका आंसर था वैसे, एज पर द सेंट्रल डॉगमा प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड बाय आरएनए थ्रू डीएनए, ये सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं बेटा। रीना इज सफरिंग फ्रॉम अ जेनेटिक डिसऑर्डर नोन एज सिकल सेल एनीमिया, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज कॉज ऑफ हर कंडीशन? रीना जो है वो सफर कर रही है फ्रॉम अ जेनेटिक डिसऑर्डर विच इज सिकल सेल एनीमिया, बहुत सिंपल है इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा? ट्रांसलेशन नहीं, म्यूटेशन होना चाहिए। ठीक है, अब इवोल्यूशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था जिसका आंसर यहीं पे दिख रहा है। ठीक है, यहीं पे इसका आंसर दिख रहा है, उसका म्यूटेशन होना चाहिए, मैं बता रहा हूँ म्यूटेशन होना चाहिए, सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया रे। टू एनिमल्स वेर स्टडीड टू हैव अ कॉमन एंसेस्ट्री थ्रू देयर इवोल्यूशन, ये रिवोल्यूशन नहीं होगा, ये इवोल्यूशन होगा। ठीक है, दिस इज इवोल्यूशन नॉट रिवोल्यूशन। दिस स्टडी वॉज बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज ऑफ देयर स्ट्रक्चर ऑफ माउथ एंड नॉस्ट्रिल, मतलब एक्सटर्नल बॉडी पार्ट को देखा जा रहा है। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ एविडेंस द इवोल्यूशन इज ऑफकोर्स मॉर्फोलॉजिकल। ठीक है, दिस इज एब्सोल्यूटली नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स ऑफ ह्यूमन हैंड एंड पेटेजियम ऑफ बैट। तो ह्यूमन हैंड और पेटेजियम ऑफ बैट के लिए दोनों में से क्या सिमिलर नहीं है? मुझे लगता है ब्रू की कॉफी नेस्कैफे से अच्छी होती है। क्या आंसर बेटा इसका? दे आर मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, नहीं, दे आर एम्ब्रियोलॉजिकल, दे आर एनाटॉमिकल, एनाटॉमिकल एविडेंस है वो। ठीक है, एनाटॉमिकल एविडेंस है। नेक्स्ट है, वेस्टिजियल ऑर्गन डैश आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी इज अ प्रूफ ऑफ इवोल्यूशन। Vestigial organ dash present in human body is a proof of evolution. Appendix, ठीक है, बिल्कुल सही, appendix is the right answer. Next, appendix is useful in ruminants for digestion of which of the following compounds? सेलुलोज, कच्चा खाना खाते हैं, राइट, लोग कच्चा खाना खाते हैं। नेक्स्ट वाला, राज हैड टू गो टू डेंटिस्ट टू एक्सट्रैक्ट हिज विजडम टूथ, द डॉक्टर इनफॉर्म्ड हिम दैट इट विल नॉट अफेक्ट हिज एबिलिटी ऑफ च्यूइंग फूड, दिस इज बिकॉज विजडम टूथ है तो क्या होता है, इट्स अ वेस्टिजियल ऑर्गन। विजडम टूथ क्या है बेटा? एक वेस्टिजियल ऑर्गन है ह्यूमंस में, इसलिए। थैंक यू वेदांत। नेक्स्ट वाला, अ पैलेंथोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड अ फॉसिल ऑफ अ रेप्टाइल ब्यूरी डीप इन द सॉइल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स फॉर दिस सिचुएशन? फॉल्स ये कि रेडियो एक्टिविटी ऑफ कार्बन 12 कैन बी यूज टू कैलकुलेट द फॉसिल फ्यूल, क्योंकि रेडियो एक्टिव कार्बन 12 नहीं होता, कार्बन 14 रेडियो एक्टिव होता है, याद रखो, कार्बन 14 रेडियो एक्टिव होता है, नॉट कार्बन 12, समझ गए क्या?
गुड, कुछ कुछ छोटी छोटी बातें बता रहा हूं जो आपको याद रखनी है। डैश चूज द इनकरेक्ट मैच, ये छोड़ देते हैं, ये भी छोड़ देते हैं। ये बताओ, डैश इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है बेटा ये, कनेक्टिंग लिंक से क्वेश्चंस पूछती है बोर्ड, ठीक है। कनेक्टिंग लिंक्स वाला जो टॉपिक है उससे बोर्ड क्वेश्चन पूछती है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछती है बच्चे। तो आपको आना चाहिए ये। क्या आंसर इसका? डक बिल्ड प्लैटीपस, ठीक है। बहुत बढ़िया बच्चा पार्टी, गलती मत करो रे। नेक्स्ट, डैश इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड अर्थ्रोपोडा। एनेलिडा एंड अर्थ्रोपोडा के बीच में क्या है कनेक्टिंग लिंक? पेरिपेटस, ठीक है। पेरिपेटस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ये देखो अब सब साथ में दे दिया है। मैच द कॉलम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। पेरिपेटस का क्या सीन है, डक बिल प्लेटिपस का क्या, लंग फिश का क्या है? देख के समझ में आना चाहिए। बेटा एक बात बता, अंडे कौन देगा? अंडे कौन देगा? पहले का ए है, ठीक है। सेगमेंटेड बॉडी, थीन क्यूटिकल, पेरिपोडिया। देखो अब मैं कैसे याद रखता हूं, पेरिपेटस पी, पेरिपोडिया पी। डक क्या करती है, अंडे देती है, तो मैं बोलूंगा कि ले एग्स, ठीक है। बदक कह रहे अंडे दे सकती है, ठीक है। अगला क्या, लंग फिश। ये तो देख के समझ में आता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ बीइंग अ फिश उसके पास लंग्स होगा। तो टेक्निक से याद किया तो सब होता है। थोड़ा सा अवेयर होके पढ़ो भाई, थोड़ा सा अवेयर होके पढ़ो। सिमिलैरिटीज इन द इनिशियल स्टेज इंडिकेट विच एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। सिमिलैरिटीज इन द इनिशियल स्टेज इंडिकेट द डैश विच एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। क्या इसका? एम्ब्रियोलॉजिकल। हाँ बहुत सिंपल है ये। एक और क्वेश्चन सेम, सिमिलैरिटीज इन द इनिशियल स्टेज इंडिकेटिंग कॉमन ओरिजिन ऑफ टर्टाइज एंड चिकन। ऐसे भी करके पूछते हैं, यही सेम क्वेश्चन है, इसका भी आंसर एम्ब्रियोलॉजिकल है। सेम ऐसे भी पूछते हैं। तुम्हारे बुक में एक चार्ट है, देखा है ना तुम लोगों ने, जिसमें टर्टाइज, चिकन, स्लेमेंडर, ह्यूमन, अलग अलग चीजें दी हुई है। ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो वी शुड नो दैट, ठीक है। नेक्स्ट है, डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चे। तो बताओ मुझे, डार्विन हैज पब्लिश्ड अ बुक टाइटल डैश। डार्विन ने एक बुक पब्लिश किया था, उसका टाइटल क्या था? हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्या है इसका आंसर एमन? क्या है इसका आंसर? इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। बुक का टाइटल था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्शन टू डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। हमारे बुक में तीन ऑब्जेक्शंस दिए हुए हैं, तीनों ऑब्जेक्शंस रट के जाना। अगर समझ में आ गया कस्तूरी तो मेक श्योर करो कि आप उसको याद करके जाओगे। समझ रहे हो मेरी बात? मैं जो मैं बोला वो समझा क्या? एक बार अगर समझ में आ गया तो ऑब्जेक्शंस याद करके जाना, मुझे ऐसा लगता है कि इंपॉर्टेंट है और पूछ सकते हैं। 2 मार्क्स 3 मार्क के लिए पूछते हैं कभी कभी। चलो तो इसका आंसर क्या है, डार्विन कुड प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन अबाउट इवोल्यूशन। नहीं, नहीं है ये भी एक ये है, नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट द ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। नितीश ये भी है, देर इज नो एक्सप्लेनेशन अबाउट स्लो एंड एब्रप्ट चेंज, धीरे धीरे होने वाला या फट से होने वाले बदलाव के बारे में नहीं बताया है। थैंक यू बच्चे, थैंक यू सिंह।
सिंगिस्तान जी थैंक यू सो मच बच्चा, बहुत अच्छा लगा पढ़ के, थैंक यू फॉर द फीडबैक। नेक्स्ट डी वाला, डार्विन डिड नॉट मेंशन एक्सप्लेनेशन अबाउट यूजफुल मॉडिफिकेशन और यूजलेस मॉडिफिकेशन, तो ये तीन है बाकी नहीं है, ठीक है। गुड संतोष, बहुत बढ़िया। थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर इज ऑल्सो नोन एज, अब देखो लमार्किज्म से ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर इज नोन एज, आपको ना क्या करेंगे पता है क्या इसका आंसर वैसे क्या है बच्चा सृष्टि, इसका आंसर है लमार्किज्म। लेकिन करते क्या है ना कि दे विल नॉट आस्क यू डायरेक्टली एक्सप्लेन लमार्किज्म, मैं ये समझाना यही चाहता हूँ यहाँ पे, दे विल आस्क यू संतोष कि भाई एक्सप्लेन करो थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। अभी सुना ली तभी अपने मन में एक सवाल आने लगता है कि भाई ये तो पढ़ा ही नहीं किया। लेकिन द पार्ट इज प्रणव की लमार्किज्म ही वो टॉपिक है, है भाई लमार्किज्म इज द टॉपिक, समझ गए क्या। तो लमार्किज्म इज ऑल्सो कॉल्ड एज लमार्किज्म, जो भी बोलते हो तुम महेश, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, समझा क्या, समझा मधुरा, इज इट क्लियर टू एवरीवन। गुड सोराली, बहुत बढ़िया, गुड। नेक्स्ट वाला, द कॉन्सेप्ट ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन इज गिवन बाय, बहुत सिंपल है लमार्क, ऑफकोर्स लमार्क। नेक्स्ट वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एग्जांपल ऑफ लमार्किज्म, तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल है, एक कोई एग्जांपल नहीं है लमार्किज्म का, कौन सा है वो, जल्दी वेदांत सही आंसर चाहिए। आर्यन जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं उसके बाद एक्सरसाइज लर्न करते जाओ बेटा, यहाँ पे मत वीडियो देख लो चाहिए तो, कुछ नहीं समझता है तो बाकी एक्सरसाइज लर्न करके जाओ बच्चे। थैंक यू बच्चा, थैंक यू थैंक यू। हनुमान मेरा बर्थडे नहीं है रे। इसका आंसर है बी है, शोल्डर्स ऑफ आयरन में बिकम वीक, अरे वीक थोड़ी होगा यूज करने पे, सी डी कैसे होगा अक्षय, वीक थोड़ी होगा भाई, स्ट्रांग हो जाएगा ना रे, अगर बार बार यूज करेंगे तो स्ट्रांग होगा ना भाई। नेक्स्ट पीसीएशन करके एक टॉपिक है, उससे क्वेश्चन करते हैं। अभिमान मेरा बर्थडे नहीं है, अभिमान क्यों बर्थडे मना रहा है मेरा। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज द इफेक्ट ऑफ इवोल्यूशन इज कॉल्ड एज, ऑफकोर्स टॉपिक का नाम ही है, नया स्पीसीज बन रहा है स्पीसीएशन, समझा गया, नया स्पीसीज बन रहा है, योग तो क्या हो गया ये स्पीसीएशन हो गया। नेक्स्ट वाला, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिमिटिव एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन, मोस्ट प्रिमिटिव द बहुत बेसिक, अब देखो ये क्या है, ए हटा दो तो इजिप्टोपिथेकस है, ये ऑस्ट्रेलियोपिथेकस है, कार्गो मैग्नोन मैन है। अगर इवोल्यूशन की थ्योरी याद करोगे तो आपको याद आएगा सबसे पहले आता है इजिप्टोपिथेकस। विच ऑफ द फॉलोइंग फोसाइल मैन वॉज प्रेजेंट बिफोर रामापिथेकस, रामापिथेकस से पहले कौन था, That is Dryopithecus. मैंने एक कहानी बनाई थी, आपको कहानी याद दिलाऊ क्या, इसको याद करने की एक टेक्निक बताओ क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बता दो। डैस कैन बी कंसिडर्ड एज फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ वॉइस मैन, ये पूछ सकते हैं, ठीक है ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ वॉइस मैन। आंसर है Neanderthal. मॉडर्न मैन डिफर्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलियोपिथेकस इन विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स, तो मॉडर्न मैन है कौन से एस्पेक्ट में डिफर करता है ऑस्ट्रेलियोपिथेकस से। मैं तुम लोग को एक कहानी बताता हूँ जिससे तुम्हें याद आ जाएगा, टेक्निक से बताता हूँ पूरा ह्यूमन इवोल्यूशन, इंक्रीज ब्रेन साइज, ठीक है छोड़ देते हैं अभी ना, मैं तुम्हें कहानी बताता हूँ बेटा जिससे तुम्हें ये पूरा याद हो जाएगा। ओके मुझे एक मिनट दे दो, ओपन कर रहा हूँ, बताता हूँ बहुत बढ़िया तरीके से बताता हूँ, सब याद हो जाना चाहिए।
मैं तुम लोगों को अभी एक कहानी बताऊंगा, एक कहानी है जो सबको सुनानी है, जलने वालों की तो रूह भी जलानी है, ठीक है? तो चलो कहानी शुरू करते हैं और इसको याद कर लेते हैं बेटा। तो आप सबका स्वागत है मेरे प्यारे से कहानी में, दिल थाम के बैठिए क्योंकि कहानी इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा, ठीक है? कहानी इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा और आज आपको याद भी हो जाएगा। आप लोग फटाफट शेयर भी कर देना इसके बाद, अगर आपको अच्छा लगे तो, बाकी अच्छा ना लगे तो आप ध्यान दे लो, आप पढ़ लो, ठीक है? मेरा बर्थडे होता 23 नवंबर। अभी फटाफट फटाफट बात करते हैं, तो एक कहानी सुनाता हूँ, बहुत ध्यान से कहानी सुनो। एक बार की बात है, डायनासोर्स ने अटैक कर दिया। क्या कर दिया? डायनासोर्स ने अटैक कर दिया। किसने अटैक किया भाई? चैट में बताते जाना। डायनासोर्स, जब डायनासोर्स ने अटैक किया तो कहां पे अटैक किया? तो डायनासोर्स ने अटैक किया इजिप्ट में। डायनासोर्स ने कहां पे अटैक किया भाई? इजिप्ट में अटैक किया। अब अटैक कर दिया डायनासोर्स ने तो क्या हुआ? उधर पूरा आग लग गया। डायनासोर्स ने इजिप्ट में अटैक किया, पूरा आग लग गया, तो अब वहां पे पूरा सूखा पड़ गया। इजिप्ट में क्या हुआ है भाई? पूरा सूखा पड़ गया, ठीक है? इजिप्ट में पूरा सूखा पड़ गया। तो तीन याद हो गए। डायनासोर्स ने इजिप्ट में अटैक किया जिसके कारण इजिप्ट में क्या हो गया बेटा? पूरा सूखा पड़ गया। अब इजिप्ट के लोग डर गए सूखे से, पानी नहीं है पीने के लिए, तो वो लोग किसके पास गए? भगवान राम के पास गए। हे प्रभु, हे राम, कुछ करो। भगवान ने बोला कि इस चीज का सॉल्यूशन है ऑस्ट्रेलिया में। भगवान ने क्या बोला कि इस चीज का सॉल्यूशन कहाँ पे मिलेगा तुम्हें? ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। अरे मेरा बर्थडे नहीं, अरे मूर्ख मानुस लोग, ब्लॉक करना पड़ेगा तुम लोगों को। मैं बोल रहा हूँ मेरा बर्थडे नहीं है, टाइम पास करवा रहे हो, ठीक है? उन्होंने क्या बोला कि तुम लोग को इस चीज का सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। तो सब लोग ऑस्ट्रेलिया गए। जब सब लोग ऑस्ट्रेलिया गए तो वहां पर देखा उन्होंने कि वहां के जो लोग हैं ना, उनको घर में रहने की आदत है। होमो, होम हैबिलस हैबिट। वहां के लोगों को किधर रहने की आदत है बेटा? घर में रहने की आदत है। और यहाँ के जो लोग होते हैं ना, जो घर बनाते हैं ना, वो एकदम सीधा बनाते हैं। कैसा घर बनाते हैं? एकदम होम इरेक्ट, एकदम सीधा घर बनाते हैं, ऐसा लंबा सा सीधा घर बनाते हैं, ठीक है? एकदम ऐसा लंबा सा सीधा घर बनाते हैं, तो वो लोग सीधा घर बनाते हैं। और इन लोगों की एक और अच्छी आदत है कि वो लोग ना नियॉन का बल्ब जलाते हैं अपने घर में। अपने घर में कहाँ पे कैसा बल्ब जलाते हैं? नियॉन का बल्ब जलाते हैं, ठीक है? नियॉन का बल्ब जब वो जलाते हैं ना, तो सारे क्रो जो होते हैं ना, क्रो क्रो, ठीक है, सारे क्रो जो होते हैं ना, वो मैंगो खाने के लिए भाग जाते हैं, ठीक है? सारे क्रो क्या होते हैं? मैंगो के ट्री पे जाके बैठ जाते हैं, ओके? नियॉन का बल्ब जलाते हैं क्रो से मैंगो, जैसे भी तुम्हें समझना तुम कर सकते हो। तो सारे क्रो नियॉन का बल्ब देख करके मैंगो खाने के लिए भाग जाते हैं, ओके? लर्नर्स, इसके बाद क्या है कि वो लोग एग्री, वो लोग क्या करते हैं, ऐसे याद कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, मैं थोड़ा कहानी को बदल रहा हूं। जिन लोगों को पहले मैंने बताया था कि घर उनका इरेक्ट होता है और वो लोग नियॉन का बल्ब जलाते हैं क्रो को भगाने के लिए, कि उनके मैंगो की रक्षा हो सके खेती बाड़ी में, जो लोग खेती कर रहे हैं। नियॉन का बल्ब जलाते क्यों? अपने मैंगो की खेती का रक्षा करने के लिए, ठीक है? नियॉन का बल्ब जलाते कि क्रो से अपने मैंगो की एग्रीकल्चर की रक्षा कर सके। लेकिन सारे कौओं ने परेशान कर रखा है, ठीक है? सारे कौओं ने बहुत परेशान कर रखा है, तो इसीलिए उन्होंने एक लेटर लिखा। अच्छा, लेटर किसको लिखा बेटा? लेटर लिखा उन्होंने साइंटिस्ट को कि भैया इंडस्ट्री में कुछ ऐसा डेवलपमेंट करो जिससे हमारा फायदा हो, इंडस्ट्री में कुछ ऐसा डेवलप करो जिससे हमारा कुछ फायदा हो, दो पैसे का, समझ रहे हो? तो ऐसा उन लोगों ने किया। अभी मैं तुम लोगों से सवाल करता हूं और तुम लोगों को फटाफट फटाफट कुछ कुछ चीजें बताता हूं, ठीक है? शॉर्ट में बताते हैं कि आपको समझ में आए। सबसे पहले क्या था? अब मैं अनअकैडमी पे था पहले, लेकिन तू स्पैम मत कर बेटा, ठीक है? सबसे पहले क्या था याद करो। डायनासोर्स ने एक बार अटैक कर दिया, कहां पे? इजिप्ट पे। तो वहां पे क्या हुआ? इजिप्ट में सूखा पड़ गया। वहां के लोग डर के किसके पास गए? राम भगवान के पास गए। राम भगवान ने क्या बोला कि इसका सॉल्यूशन कहां पे मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया में जाके उनको क्या दिखा कि यहाँ के जो होम होते हैं वो कैसे होते हैं, यहाँ के जो लोग होते हैं उनमें घर में रहने की हैबिट है, और यहाँ के जो घर होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, यहाँ के घर इरक्ट होते हैं। तो उन लोगों ने, और यहाँ के लोग क्या करते हैं? नियॉन का बल्ब जलाते हैं। क्यों जलाते हैं? कि क्रो से
अपने मैंगो के, ठीक है, प्रो से अपने मैंगो के खेती का रक्षा कर सके, ठीक है। लेकिन क्रो ने इतना परेशान कर रखा है कि इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने लेटर लिखा, ठीक है, आर्ट ऑफ राइटिंग। लेटर इन्होंने किसको लिखा, साइंटिस्ट को लिखा। साइंटिस्ट को लेटर में क्या लिखा कि भैया अपने इंडस्ट्री में कुछ ऐसा डेवलप करो जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब इससे तुमको क्या याद आ रहा है, डायनासोर्स, इजिप्टोपिथेकस, ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, होमोहैबिलिस, होमो इरेक्टस, नियंडरथाल का, क्रोमैग्नॉन, ठीक है, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, आर्ट ऑफ राइटिंग डेवलपमेंट, साइंटिफिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। हो गया ना रे, जोर से बजाओ ताली इन द चैट, जोर से बजाओ ताली इन द चैट, जोर से बजा दो ताली इन द चैट। बजाया, इतना मुश्किल नहीं है। हाँ सही कह रहे हो, हर अकेडमी वालों ने आपको हक्काला आना। नहीं रे, वो कैटेगरी बंद हो गई। इतना गंदा नहीं पढ़ाते रे मैं, वरना तू इधर क्यों आता। मजा आया, ओके, मजा आया, चलो बहुत बढ़िया। ईयर्स याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नहीं, नेक्स्ट ईयर सिलेबस चेंज नहीं हो रहा है, ईयर्स याद रखना जरूरी नहीं है अभी। बच्चा अपना नेक्स्ट जो टारगेट है, दैट इज कि इसके एक्सरसाइज को करना, ठीक है। हमारा नेक्स्ट जो टारगेट है, दैट इज कि इसके एक्सरसाइज को बहुत थर्ली करना। ओके okay? नहीं, नेक्स्ट ईयर सिलेबस कौन चेंज होगा, आप 11th में कोई पढ़ाते हो? हाँ पढ़ाता हूँ, गुड, ठीक है। नेक्स्ट लाइव इस लाइव के खत्म होने के एक सब 1 आवर 30 मिनट, 1 आवर 30 मिनट बाद होगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं बेटा इसके क्वेश्चन। तो देखो, पहला जो ये टेबल पूछते हैं, इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम। तो ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। थैंक यू संजना, थैंक यू स्टडी जी। चलो, तो मैं कह रहा हूं कि ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवा रहा हूं मैं आपसे, ठीक है। तो पहला है कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम, जिसका आंसर क्या है, मॉर्फोलॉजिकल यहां पे आ जाएगा, पैलेंथोलॉजिकल, वेस्टिजियल ऑर्गन, सिमिलैरिटीज इन द बोन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग चीजें आप लिख सकते हो, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड जस्टिफाई द सेम इन योर ओन वर्ड्स, अपने वर्ड्स में इसको जस्टिफाई करना है विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। तो पहला क्वेश्चन है, ह्यूमंस इवोल्यूशन बिगेन अप्रोक्सीमेटली 7 करोड़ ईयर्स एगो। तो इसका आंसर क्या होगा, कि हमने अभी अभी पढ़ा था ना बच्चा, अभी अभी हमने पढ़ा था कि लास्ट डायनासोर्स डिसअपियर्ड अप्रोक्सीमेटली 7 करोड़ ईयर्स एगो। एट दैट टाइम मंकी लाइक एनिमल्स वेयर सेड टू बी इवॉल्व फ्रॉम सम एंसेस्टर, ठीक है, हु वेयर मोर और लेस सिमिलर टू मॉडर्न लेमुनर्स, थस ह्यूमन इवोल्यूशन बिगेन अप्रोक्सीमेटली 7 करोड़ ईयर्स एगो। अभी बताया था वही है, ठीक है। नेक्स्ट, जियोग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ग्रेजुअली लीड्स टू स्पीसिएशन। तो देखो, स्पीसिएशन का कारण बहुत सारा हो सकता है, जैसे म्यूटेशन एक कारण होता है, रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, हाइब्रिडाइजेशन, पॉली, ठीक है, पॉली पॉलिडी, ठीक है, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। इसमें आपके किताब में आप 3 चीजें पढ़ते हो, आपके किताब में आप ये पढ़ते हो, एक म्यूटेशन पढ़ते हो, आप पढ़ते हो एक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पढ़ते हो, और आप एक ज्योग्राफिकल आइसोलेशन पढ़ते हो। इनमें से इन लोगों ने जो क्वेश्चन पूछा है, दे हैव आस्ट यू ओनली 2 थिंग्स, दे हैव आस्ट यू कि भाई ज्योग्राफिकल आइसोलेशन एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जो है उससे होता है कि नहीं होता है? ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है, स्पीसिएशन
स्पीसीज इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्पीसीज एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है जो कि प्रोड्यूस कर सकता है फर्टाइल इंडिविजुअल थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। तो पहला पॉइंट क्या लिखा है हम लोगों ने भाई, हम लोगों ने पहला पॉइंट लिख दिया डेफिनेशन। क्या ये तो बहुत सिंपल है, तो पहले पॉइंट में हमने डेफिनेशन लिखा है। ओके, पहले पॉइंट में हमने डेफिनेशन लिख दिया है। अच्छा, उसके बाद देखो हमारा अगला पॉइंट क्या एक्सप्लेन कर रहा है, हमारा जो अगला पॉइंट है वो एक्सप्लेन कर रहा है ईच स्पीसीज ग्रोज इन स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल कंडीशन। हर एक स्पीसीज एक अपने अपने ज्योग्राफिकल कंडीशन में ग्रो होता है, जैसे कि एक ठंड में पोलर रीजन में रहने वाला पोलर बियर या फिर एक पेंगुइन और एक कैमल, तो हर अपने अपने ज्योग्राफिकल कंडीशन में ग्रो होता है। उनकी जो फूड होती है, वो कहाँ पे रहते हैं, उनकी रिप्रोडक्शन करने की एबिलिटी, कुछ लोग एक एक बच्चा पैदा करते हैं, ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं एक साथ बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं, तो वो अलग अलग होता है अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग जानवरों के लिए। बेटा उसके बाद है अलॉन्ग विद जेनेटिक वेरिएशन ज्योग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव चेंजेस आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यू स्पीसीज। अब जेनेटिक वेरिएशन मतलब क्या हो रहा है कि म्यूटेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जब हम जेनेटिक वेरिएशन की बात कर रहे हैं बच्चा पार्टी, तो हम बोलना चाह रहे हैं कि भाई म्यूटेशन, तो म्यूटेशन तो है ही है, लेकिन इसके अलावा ज्योग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव चेंजेस आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन स्पीसीज। मतलब देखो ज्योग्राफिकल से मतलब क्या है कि मान लो यहाँ पे कुछ लाल कलर के जानवर रहते थे और यहाँ पे कुछ ब्लू ग्रीन कलर के जानवर रहते थे, ठीक है, और क्या होता था कि ये लोग अलग अलग रहते थे, लेकिन अचानक से क्या हुआ, मान लो बाढ़ आया, बाढ़ मतलब फ्लड आया, जिससे पानी यहाँ से यहाँ आ गए, तो कुछ ग्रीन वाले इधर आ गए, लेट्स से कि कुछ ग्रीन वाले इधर आ गए, तो इन लोगों ने क्या किया, ये रेड वाले और ग्रीन वालों के बीच में प्यार हो गया और फिर इनका बच्चा हुआ, तो लेट्स से जो इनका बच्चा हुआ वो कैसा हुआ, ये पर्पल कलर का हुआ, तो ये हो गया रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के कारण होने वाली चीजें, या फिर कुछ और, या फिर ज्योग्राफिकल भी बोल सकते हो क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह ये लोग गए हैं, ठीक है। अच्छा, हेंस ज्योग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन लीड्स टू स्पीसिएशन, तो ये इसका आंसर है। गॉट इट, सबको समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ फॉसिल, ठीक है, इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ इवोल्यूशन। तो पैलेंथोलॉजिकल, पैलेंथोलॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ फॉसिल, ठीक है, और ये पैलेंथोलॉजी में जो पेलियो ये वर्ड है इसका मतलब होता है ओल्ड या फिर एंशियंट। हाँ, टेलीग्राम पे भेज दूंगा मैं इसका भी। एक्सरसाइज के क्वेश्चन से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको याद रहे, बाकी आप ये पढ़ लो। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है कि लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म गॉट ब्यूरीड ड्यू टू डिजास्टर्स लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, वोल्केनो एक्सेट्रा। बहुत सारे, ठीक है, ऑर्गेनिज्म जमीन के अंदर रह जाते हैं इन सारे डिजास्टर्स के कारण, जैसे कि फ्लड है, अर्थक्वेक है, वोल्केनो है, ठीक है, एक्सेट्रा। तो जो इनकी जो बची खुची चीजें हैं, जो बची खुची शेष रह जाती है, या फिर जो इनका छापा है और उन ऑर्गेनिज्म का, वो प्रिजर्व रह जाता है ग्राउंड के अंदर, और इसी चीज को हम फॉसिल कहते हैं। तो यहां पे रीजन बताया पहले पॉइंट में, और दूसरे पॉइंट में बताया है कि भाई फॉसिल होता क्या, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कार्बन डेटिंग टेक्निक। कार्बन डेटिंग टेक्निक है जिसकी मदद से हम डिटरमाइन कर सकते हैं एज ऑफ द फॉसिल। एक बार हमें फॉसिल का एज पता चल गया तो बहुत आसान हो जाता है उससे और सारे इंफॉर्मेशन निकालना, ठीक है, इसीलिए फॉसिल की स्टडी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके बेटा, क्वेश्चन का आंसर सही होना चाहिए, आपने भाषा में भी आप लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट यह है कि क्वेश्चन का आंसर सही हो। नेक्स्ट वाला देखो, देयर इज अ एविडेंस ऑफ फैटल साइंस अमंग कॉर्डेक्स। बहुत सारे लोगों को ना ये वाला क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता है कि देयर इज एन एविडेंस ऑफ फैटल साइंस अमंग कॉर्डेक्स, इसका आंसर क्या है। तो जब आप एनिमल क्लासिफिकेशन सब पढ़ोगे तब आपको थोड़ा कॉर्डेक्स के बारे में आइडिया आएगा कि कॉर्डेक्स क्या होता है, जिनके पास क्या होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका आंसर क्या है, इट इज बिलीव्ड दैट कॉर्डेक्स हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम इनवर्टिब्रेट्स। जो कॉर्डेक्स है वो इनवर्टिब्रेट से इवॉल्व होकर के आए हैं, तो ओरिजिन वो है कॉर्डेक्स, मतलब जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, इनवर्टिब्रेट्स मतलब जिनके पास वर्टिकल कॉलम नहीं होता है। तो इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड आउट विच इनवर्टिब्रेट ग्रुप द कॉर्डेक्स वेयर डेवलप। तो ये बहुत मुश्किल है पहचानना और पता करना कौन से, ठीक है, इनवर्टिब्रेट ग्रुप से कॉर्डेक्स आए थे। कॉर्डेक्स एंसेस्टर्स वेयर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, हेंस दे वेयर नॉट प्रिजर्व्ड एज फॉसिल। अब क्योंकि जो कॉर्डेट के एंसेस्टर्स थे, ठीक है, तो इनवर्टिब्रेट्स थे, उनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट थी, तो सॉफ्ट बॉडी के कारण क्या हुआ कि उनकी फॉसिल बची नहीं,
कंपोज हो गई, इसीलिए इट इज अ फैटल साइंस अमंग द कॉर्डेट, तो इसका पता नहीं किया जा सकता, खत्म हो चुका है वो, नहीं पता लगता। बट इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला एक और क्वेश्चन है, कंप्लीट द स्टेटमेंट बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो द कैजुअलिटी बिहाइंड द सडन चेंजेस वॉज अंडरस्टूड ड्यू टू, इसका आंसर है म्यूटेशन। सडन चेंज जब भी देखो आप हेरिडिटी वाले चैप्टर में, दैट मीन्स की म्यूटेशन। अगला क्वेश्चन था द प्रूफ ऑफ फैक्ट दैट प्रोटीन सिंथेसिस ऑकर थ्रू डैश वॉज गिवन बाय इगोर बिडल एंड इगोर टैटम, तो इसका आंसर है जीन, ठीक है। अगला ट्रांसक्रिप्शन आपको पता ही है, ये द ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए टू एमआरएनए इज कॉल्ड एज, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है बहुत बार, ठीक है। तो इसका आंसर है ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट, इवोल्यूशन मीन्स ग्रेजुअल डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट वाला है वेस्टिजियल ऑर्गन अपेंडिक्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी इज प्रूफ ऑफ इवोल्यूशन, ऑप्शंस के हिसाब से है ये जो टेक्सटबुक में दिया है, और भी बहुत सारे वेस्टिजियल ऑर्गन्स है वैसे। बेटा स्पैम करना बंद कर दे। अच्छा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ लमार्किज्म, आप अपने हिसाब से पढ़ लेना और उसको एक्सप्लेन कर देना अगर आपको इसको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए। अगर आपको इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मेरा सजेशन रहेगा वन शॉट वीडियो में से, मैंने वन शॉट वीडियो डाला है, उस वन शॉट वीडियो में से आप लमार्किज्म अच्छे से पढ़ लेना, खाली लमार्किज्म वाला टॉपिक देख लेना, उसमें सब अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के लिए भी मेरा यही सजेशन रहेगा कि वन शॉट वीडियो में से आप ये टॉपिक को अच्छे से देख लेना, फिर ये नोट्स रीड करना, आपको समझ में आएगा। एम्ब्रोलॉजिकल के लिए भी सेम ही है, ठीक है। इवोल्यूशन के लिए भी मैं सेम ही बात बोलूंगा आपको, ठीक है। आई शेयर द सेम थिंग फॉर इवोल्यूशन एज वेल, गॉट इट, ये पढ़ लेना आपको समझ में आ जाएगा। कनेक्टिंग लिंक एंड एवरीथिंग, ठीक है, कनेक्टिंग लिंक एंड एवरीथिंग। ये सब ऐसे टॉपिक है जो आप एक बार रीड करोगे, मतलब जब वीडियो में से आप वो टॉपिक को देखना, खाली आपको समझ में आ जाएगा। अब वन शॉट वीडियो अपलोड किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब देखो, हाउ आर हेरिडिटी, ये क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन है कि हाउ आर हेरिडिटी चेंजेस रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन, ये मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन है हाउ आर हेरिडिटी चेंजेस रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन, देखो, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ड्यू टू चेंज इन स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ सेवरल जनरेशन, मतलब धीरे 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 जब कुछ कैरेक्टर्स में बदलाव आता है और नया ऑर्गेनिज्म बनता है तो उसको हम बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन, राइट। उसके बाद एट प्रेजेंट करोड़ ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विद ह्यूज डाइवर्सिटी रिगार्डिंग शेप कॉम्प्लेक्सिटी आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ, आज के डेट में अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल्स अलग अलग शेप, अलग अलग साइज, अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटी के साथ प्रेजेंट है हमारे प्लैनेट अर्थ पे। एनिमल की जो डाइवर्सिटी है वो यूनिसेलुलर से लेकर के अमीबा, पैरामेशियम से लेकर ह्यूमन और जाइंट वेल तक है, मतलब छोटा, बहुत छोटे से लेकर बहुत बड़े तक है। प्लांट की डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो यूनिसेलुलर कॉलरा से लेके ह्यूज बनियान ट्री तक, मतलब यहाँ पे भी एग्जाम्पल दिया है प्लांट और एनिमल का, ओके। अब फर्स्ट प्रिमेटिव सेल में भी, ठीक है, मे हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो पहला जो सेल बना था दैट वाज फॉर्म्ड ड्यू टू मिक्सचर ऑफ सेवरल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, ऐसा बताया गया है, मे हैव बीन फॉर्म बोला है, मतलब गारंटी नहीं है, मे हैव बीन फॉर्म, देयर मे हैव बीन सम डिफरेंसेस अमॉन्ग दिस, तो इवोल्यूशन वाला पार्ट है, धीरे धीरे बदलाव आते गया होगा, गुड फूड मिला होगा, ठीक है, और जिनको जो एडजस्ट नहीं कर पाए होंगे वो खत्म हो गए होंगे। आर यू गेटिंग इट? और सस्टेनिंग एंड सिलेक्टेड ऑर्गेनिज्म कैन परफॉर्म रिप्रोडक्शन, तो लेकिन जो बच गए होंगे उन्होंने रिप्रोडक्शन किया होगा और उनके कारण नए स्पीसीज आए होंगे जिनके पास अपनी कैरेक्टर होगी, ठीक है। तो यही ये आंसर है इसका, हेरिडिटी चेंजेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कैसे बनते हैं, सेंट्रल डॉग्मा की बात हो रही है इसमें, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन आपको एक्सप्लेन करना है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो 15 से
15 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा मेरे हिसाब से। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो मोर देन 15 मिनट नहीं लगेगा, आप वन शॉट वीडियो देख लेना, आप देख लेना वन शॉट वीडियो, ठीक है। एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन एंड मेंशन द प्रूफ सपोर्टिंग इट। तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन आपको एक्सप्लेन करना है कि क्या है, उसके बाद आपको इसके अलग अलग प्रूफ है, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, एनाटॉमिकल है, ठीक है। तो वो सब में से जो भी आपको दो तीन बता रहा है वो बता देना डिपेंडिंग अपॉन मार्क्स। फिर आपको एनाटॉमिकल एविडेंस भी एक्सप्लेन करना है, तो एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन वाला वन शॉट में आप देख सकते हो, आपको सब समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या लिखना है, ठीक है। दैट्स इट। देखो सजेशन ये है, हमारी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे ये सब काम धाम खत्म होता है। मेरा सजेशन ये है इसके 1.5 आवर बाद, ये खत्म होने के 1.5 आवर बाद, ठीक है, ये एक्चुअली खत्म होने के 1.5 आवर बाद मैं दूसरा चैप्टर लेके आऊंगा, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट वन शायद, ठीक है। तो उस पर ऐसे ही 1 घंटे का डिस्कशन करेंगे। अब तक आप क्या कर सकते हो कि आप हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का पूरा एक्सरसाइज थर्डली लर्न कर सकते हो। अगर आपको कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आता तो ऐसे सर्च करो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन शुभम झा, यूट्यूब पर सर्च करो, उस वीडियो में बस वो पार्ट देखो, समझ रहा है क्या मेरी बात, उस वीडियो में बस वो पार्ट देखो और एक्सरसाइज लर्न करो। ये जो PDF है मैं अभी के अभी डाल देता हूँ टेलीग्राम पे, क्या मैं अभी डाल रहा हूँ टेलीग्राम पे डाल दे रहा हूँ, तो डाल दिया टेलीग्राम पे, देख लो। डाल दिया टेलीग्राम, मजे करो, ठीक है। इसमें से आंसर मैंने एक्सप्लेन किया है, लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं समझता है ना बच्चों, तो इन दैट केस आप प्लीज वन शॉट वीडियो में से उसको उस पार्ट को देख के समझ लेना, क्योंकि ऐसे डायरेक्टली याद करोगे तो नहीं होगा, ठीक है। अगर डायरेक्टली याद करोगे तो नहीं होगा, ओके। मैं एक वीडियो बना दूंगा, टेंशन मत लो डायग्राम्स का। चलो थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय, मिलते हैं 1.5 आवर या 2 आवर्स बाद मिलेंगे, ठीक है। मेरे भी घसे को आराम चाहिए, अंदर से जल रहा है पूरा, 2 दिन से बोले जा रहा हूँ कंटिन्यूसली, ओके। मत कर बे, मैं ज्वाइन नहीं करूँगा, और ज्वाइन रुका क्यों है, बकवास क्यों कर रहा है, इतना टाइप क्यों कर रहा है। और हाँ एक और बात, जिन लोगों को ज्यादा खुजली है, ठीक है, आते ही क्यों हो, तुम टीचर हो, तुम्हें सब पता है, और इतना ही आता है तो तुमको आने की जरूरत नहीं थी, तुम्हारा साल भर में पढ़ के हो जाना चाहिए था, आकर के फालतू कमेंट करते हैं, ठीक है। साल भर क्या कर रहे थे, ये करो वो करो, जो जो लास्ट मोमेंट पे जरूरी है मैं वो कर रहा हूं। पहली बात, ना मैंने ना किसी यूट्यूबर ने ठेका नहीं लिया तुम्हारा, बट फिर भी लोग क्यों करते हैं कि बच्चों की हेल्प और उनको मजा आता है, फिर तुम आकर के बोलते हो कि ये करो, और अगर सामने वाला वो नहीं कर रहा है तो तुम उसको गाली दोगे, ज्यादा ढेर शाने हो तुम, ऑनलाइन हो इसलिए कर पा रहे हो, सामने रहते ना कान के नीचे खींच के मारा जाता ना फिर सही हो जाते, यही संस्कार दिए तुम्हारे माँ बाप ने, माँ बाप का नाम खराब कर रहे हो तुम, समझ रहे हो। जब तुम ऐसा कुछ उल्टा सुल्टा बोलते हो ना तो सामने वाले के मन में क्या आता है पता है, कि अपने माँ बाप को भी ऐसा बोलता होगा, मेरे मन में तो यही आता है, नाम मत खराब करो फालतू में। तो मैं कर रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है तभी कर रहा हूँ, बाकी लोगों जैसा मैं भी खुल के आ जाऊँ, कुछ भी टाइम पास कर दूँ, 2-2 मिनट का वीडियो डाल के, तो मुझे भी आता है करने, तो सब कर सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, समझ रहे हो ना। सब छोटी छोटी बातें करने सबको आती है, 2 मिनट का एक वीडियो बना दिया, 3 मिनट का एक वीडियो बना दिया, फालतू बकवास कर लिया, उसमें मेरे पास भी 1,000, 2,000, 3,000 बच्चे इकट्ठा हो जाएंगे, सेंस नहीं है ना, बेवकूफ बनाया जा रहा है वहां पे। जब मेरे वीडियो को कोई देखेगा ना तो कोई टीचर एक बोलेगा नहीं कि मैं फालतूगिरी कर रहा हूँ, टीचर्स को समझ में आएगा कि हाँ जरूरी चीजें की जा रही है,
उन वीडियोस को देख के यही लगता है फालतूगिरी चल रही है यार, तुम समझदार बनो, इसको जो करना है करने दो, उससे अपने को क्या लेना देना है, बट तुम कमेंट मत किया करो फालतू यहाँ पे आके, ठीक है। चलो मेरे हिसाब से मुझे जो जरूरी लगता है विथ माई एक्सपीरियंस मैं वही कराऊंगा, तुमको जितना रोना है रोते रहो चैट में, जो बोलना है बोलो, ज्यादा दिमाग खराब होगा ब्लॉक कर दूंगा, कल से 21 लोगों को ब्लॉक कर चुका हूं, गिन भी रहा हूं मैं, भी कर दूंगा। थैंक यू। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे मेरा वीडियो देखते हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, कई सारे बच्चों के मम्मियां वीडियो देखती है, पापा वीडियो देखते हैं और फिर उनको पढ़ाते हैं, कंटेंट ऐसा डाला हुआ है 9th के लिए, 10th के लिए भी डाल दिया है, तो 9th से 10th में जाएंगे तब देखेंगे ना। चलो बाकी देखो सब अपने हिसाब से अच्छा ही काम करते हैं, बट आप आकर के किसी को खराब मत बोलो, किसी को अच्छा मत बोलो, ये गलत बात है ना, मतलब जो गधे लोग बोल रहे थे उनकी बात कर रहा हूँ, आप आके लिखते हो वो बेकार है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, वो बेकार है, तुम डोंट कमेंट ना, तुम पढ़ने से मतलब रखो, पता है, आप अपना काम करो, जहां से आपका भला हो रहा है वहां से कर लो, सब अपने हिसाब से अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अच्छा ही करते हैं, अलग अलग इंसान का अलग अलग गोल होता है, ठीक है। मेरे YouTube चैनल से नो मैटर कितने सब्सक्राइबर है, कितने व्यूज आ रहे हैं, मेरा गोल पूरा हो जाता है, पता है तुम्हें, तो मेरा एंड गोल पूरा होता है, डेली पूरा होता है, इट हार्डली मैटर्स, नंबर ही तो है वो। चलो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं 1.5 आवर या 2 आवर्स बाद मिलेंगे, ठीक है, थोड़ा मेरे पे गले को आराम मिलेगा, फिर लाइव प्रोसेस पार्ट 1 करेंगे ऐसे, टेलीग्राम पे नोट्स डाल दिया बेटा, देख ले, आज 2 और लेक्चर करेंगे, ठीक है।